बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता के हित में है, सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। तो वहीं चिराग पासवान ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने का मतलब है। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी की घोषणा पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार की गरीब जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई, वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। मैनिफेस्टो 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे? किसान युवा के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है। तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है।